भारत बनाम साउथ अफ्रीका का तीसरा T20 मैच यह गुरुवार को 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में अफ्रीका टीम 13.5 ओवर में 95 रन पर सिमट गई। भारत ने 106 रन से मैच को जीता। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, दूसरे मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने जीता था, अब तीसरा मैच भारत जीता। इस तरह तीनों मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी है। भारत और अफ्रीका के बीच अब 3 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 17 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए 3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके। डेविड मिलर ने 35 रन, एडन मार्कर ने 25 रन, डोनोवन फेरेरा ने 12 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। रविन जडेजा को 2 सफलता मिली। मुकेश कुमार और हर्षदीप ने 1-1 विकेट लिए। इसी मैच में सूर्या ने शतक लगाया और इससे पहले सूर्य कुमार ने अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 4th शतक लगाया। वह सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के बराबर पहुंच गए हैं। दोनों के नाम भी 4-4 शतक हैं। सूर्या ने 100 रन बनाए, 56 गेंदों की पारी, 7 चौके और 8 छक्के लगाए। सशबी जायसवाल ने 41 गेंद पर 60 रन बनाए। रिंकू सिंह 14 रन और सुमन गिल 12 रन बनाकर आउट हुए। इन चारों खिलाड़ियों के अलावा और कोई भी भारत का बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। जितेश शर्मा 4 रन बनाकर हिट विकेट आउट हुए। रविन जडेजा 4 रन बनाकर रन आउट हुए। तिलक वर्मा खाता नहीं खोल पाए। मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद रहे। अर्शदीप खाता खोले बगैर नाबाद रहे। केशव महाराज और एंडिले 2-2 विकेट लिए। भारत को 6th सफलता रविन जडेजा ने दिलाई। उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एंडिले को आउट कर दिया और एंडिले ने जडेजा को ही कैच थमा दिया था। उन्होंने 3 गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। कुलदीप यादव ने भारत को 5वीं सफलता दिलाई। उन्होंने 10वें ओवर की 6ठी गेंदों पर फरेरा को आउट किया, क्लीन बोल्ड कर दिया और फरेरा ने 11 गेंद पर 12 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका को तीसरा झटका हेनरिच क्लासेन के रूप में लगा। उन्होंने हरदीप सिंह के रिंकू सिंह के हाथों कैच करारा। क्लासेन ने 5 गेंद पर 5 रन बनाए। उनके बाद कप्तान एडन मार्कन भी आउट हो गए। मार्कन को रविन जडेजा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। मार्कम ने 14 गेंदों पर 25 रन बनाए थे। अफ्रीका ने 5 ओवर के बाद 2 विकेट पर 38 रन बना लिए। मैथ्यू 4 रन और रीजा ने 8 रन बनाकर आउट हुए। रीजा रन आउट हुए जबकि मैथ्यू को मुकेश ने बोल्ड किया। सूर्य कुमार यादव के शतक के बदौलत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में 201 रन बनाए। सूर्या का भी अच्छा बल्ला चला लेकिन रिंकू सिंह का बल्ला नहीं चला। 19वें ओवर में 3री गेंद पर आउट हो गए रिंकू सिंह। यशस्वी का भी बल्ला अच्छा खासा चला। भारत ने 10 ओवर में 87 रन बना लिए थे और यशस्वी जायसवाल 29 गेंद पर 45 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 24 गेंद पर 26 रन भी बना लिए थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी कर ली। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवरों में बेहतरीन खेल दिखाया था। टीम ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 29 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 8 गेंद पर 15 रन और सुमन गिल 4 गेंद पर 12 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। इसके बाद 3 ओवर के अंदर ही 2 विकेट गिरने के बाद सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल की पारी को संभाल लिया। दोनों ने रन औसत को कम नहीं होने दिया। भारत ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 62 रन बना लिए। यशस्वी जायसवाल 18 गेंद पर 28 रन, सूर्य कुमार यादव 12 गेंद पर 19 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। भारत को दोहरा झटका तीसरे ओवर में लगा। सुमन गिल के केशव महाराज ने अपनी दूसरी गेंद पर LBW कर दिया। वह 6 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा अगली ही गेंद पर आउट हो गए। तिलक को महाराज ने एडन मार्कम के हाथ कैच थमवाया। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल 60 रन पूरे बना लिए और उसके बाद पवेलियन लौट गए। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर तबरेज शम्सी ने उन्हें आउट कर दिया। यशस्वी ने 41 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्के लगाए थे और 15 ओवर में 3 विकेट पर 144 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 41 गेंद पर 67 रन बनाकर नाबाद। सूर्या का शतक और यशस्वी का अर्धशतक के बेस्ट स्कोर के साथ इंडिया 201 रन पूरे बना ली थी और साउथ अफ्रीका को चाहिए था 202 रन मात्र 20 ओवर में जीतने के लिए। और दोस्तों, जो कि आपको पता ही है कि साउथ अफ्रीका पूरी तरह से सिमट गई और साउथ अफ्रीका इसी के तरह 13.5 ओवर में मात्र 95 रन पर पूरी टीम सिमट गई। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको 17 दिसंबर को अगले वनडे मैच में। साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया के मैच काफ़ी अच्छा रोमांचक होगा और इसी मैच के बीच हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।